हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैंड नॉलेज में। तो मिन खसरा नंबर क्या होते हैं? मिन खसरा नंबर दोस्तों, एक मेरे व्यूवर ने कमेंट्स में भी पूछा है कि मिन खसरा नंबर क्या होते हैं करके। मिन खसरा नंबर एक आंशिक रूप से नंबर होता है, और दोस्तों सालम का अर्थ होता है पूरी तरह से। मिन खसरा नंबर का अर्थ है दोस्तों, मान लीजिए कोई प्लाट है, आप दो भाइयों के नाम से है वो प्लाट, और उसका कोई नंबर मान लीजिए 10 नंबर का वो प्लाट है। अब आप उसको डिवीजन कराना चाहते हो, उसका डिवीजन करते हो, 10 नंबर प्लॉट है और उसका आप डिवीजन करते हो 10/1 और 10/2, 10/1 और 10/2। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये डिवीजन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या दे देंगे दोस्तों, दोनों नंबर की जगह 10/10 मिन लिख देंगे इसको। 10 मिन, मान लीजिए 100 गज का प्लॉट था और ये हो गया आपका 50 गज का, ये 50 गज का ये इसमें लिखा जाएगा, और फिर 10 मिन लिख के फिर 50 गज इसमें लिखा जाएगा, 50 गज इसमें लिखा जाएगा। इस तरह दोस्तों, जब ये रिकॉर्ड माप का ये पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद ये इनको नंबर दे दिया जाएगा 10/1, 10/2, और मिन शब्द यहाँ से खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। और दोस्तों खसरा नंबर क्या होते हैं? खसरा नंबर गांव के भूमि के विशेष टुकड़े को दिया गया एक सर्वे नंबर है। किसी भी किले को या फिर किसी भी प्लाट को एक नंबर दिया जाता है, जिसे खसरा नंबर कहा जाता है। इसे राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव के नक्शे का ठीक से विश्लेषण करने के बाद सौंपा जाता है। यह एक आवश्यक दस्तावेज है, जो कि संपत्ति पर अधिकार स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। एक पटवारी द्वारा बनाया गया खसरा रिकॉर्ड स्वामित्व, खेती और कृषि संपत्ति पर उपलब्ध सुविधाएं जैसे कुएं और पानी पंप के अलावा संबंधित भूमि के नक्शे के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सिजरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।